बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूडी मुडी हिना। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ इमली और आलू बहारे के शरबत। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, गर्मियों के लिए लाजवाब तोहफा है। तो आइए करते हैं अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और इसको बॉयल करने के लिए चूल्हे पर रख देंगे। इसमें मैंने शामिल किया है 250 ग्राम खुश्क आलू बहारा या 1 पाव। अब इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम ही इमली। और अब इसमें शामिल करूंगी मैं 1 किलोग्राम चीनी या शुगर। ये जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए दरमियानी आंच पर रख देंगे। ये जितना ज़्यादा पकेगा और ये खुद ही आधे घंटे में गुठलियों से अलहदा हो जाएगा और उतना ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद हम इसको छान लेंगे और जो ये बाकी बचेगा ठंडा करके छान लेंगे। तो जो बाकी बचेगा इसे चम्मच की मदद से मैश कर करके इसमें 3-4 गिलास पानी शामिल करेंगे। इसको भी हम बचे हुए को भी हम ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है। ये जो बाकी बच चुका है इस ये भी ज़ाया नहीं होगा। इसमें 3-4 गिलास पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह मैश करके ये हमारा आज के लिए शरबत तैयार हो जाएगा। इसको पानी में शामिल करके आइस क्यूब्स शामिल करें, फिर पानी में शामिल करके तो सर्व करें। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।